नमस्कार साथियों, 2020 खत्म होके भाई 2021 आने वाली है। आने के साथ ही बहुत सारी देश जो खास तौर से हम लेबर कॉन्ट्रैक्ट की बात करेंगे, लेबर अफेयर्स कानून की बात करेंगे, उसमें बहुत सारी कंट्रीज कानून बना रही हैं। जी हाँ साथियों, खास तौर से गल्फ कंट्रीज में बात करें तो सऊदी अरबिया है या फिर कुवैत है, वो सबसे ज्यादा है आप लोगों को काटने के लिए। मान लीजिए आपका स्टॉक कम करने के लिए, समझ सकते हैं अपनी भाषा में। जी हाँ साथियों, बता दूं सऊदी अरबिया ने कुछ निर्णय लिए हैं भाई, उसमें से बहुत सारे लगभग 1.5 लाख के करीब सऊदी लोग हैं जो बेरोजगार हो जाएंगे। वो लोग हैं बेरोजगार होंगे जो वहां पे जॉब कर रहे हैं ऑलरेडी पहले से, और जो भी हाई प्रोफेशन वाले जिनकी सैलरी बहुत अच्छी है, जो अपने आप को सेटल मान रहे थे, लेकिन उनके लिए भी भाई घास गिरने वाली है, क्योंकि सऊदी अरबिया सयाणा होता जा रहा है। समझ गए बात को? वो भी ये चाहते हैं कि हमारे बंदों को जॉब मिले। कोविड में आपको पता है सबकी बैंड बच गई, तो उनका कहना है कि जो सऊदी अरबिया में 3 महीने से बेरोजगार है, उनके पास कोई जॉब नहीं है वगैरह वगैरह, उनको हम स्थानीय लोगों को जॉब देंगे, उनको हम रखेंगे, बाकी दूसरी कंट्रीज के लोग हैं उनको हम निकालेंगे। ये कानून पास हो चुका है, अभी ये देखते हैं कब तक इसको स्टार्ट कर दिया जाएगा। जी हाँ, डिटेल से बात करेंगे इसमें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें, फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो करके रखें, ताकि हर रोज गल्फ कंट्रीज सऊदी से रिलेटेड से इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। पिछले 2 सालों से सऊदी ये प्लानिंग कर रहा है कि सऊदीकरण किया जाए। एक निजीकरण होता है, एक सऊदीकरण होता है, तो ये निजीकरण मान सकते हैं। सऊदीकरण को आसान भाषा में बोले तो मान लीजिए कि मैं एक अच्छे पद पे वहां पे काम कर रहा हूं, तो मेरा सीनियर ये चाहेगा कि यार ये विदेशी है, इसको निकाल के हम अपने बंदे को रख लेते हैं, अपने भाई को रख लें, अपने दोस्त को जानकार को रख लें। ऐसा होता है ना, सेम कंडीशन ये है भाई। अच्छे अच्छे पदों पे सबसे ज्यादा इंडियन है सऊदी में अंदर। जी हाँ साथियों, सऊदी में मैं बता दूं, बात करें कौन से है? इंजीनियरिंग छात्र, इंजीनियरिंग जो जॉब है उनका, सूचना प्रौद्योगिकी जो जॉब है, संचार और लेखांकन के, यानी लेबर जो लेखांकन का मतलब समझ सकते हैं, जो ऑफिशियल जॉब जिनको बोल सकते हैं, संचार तकनीकी या फिर प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, सूचना प्रौद्योगिकी, ऐसे जॉब हैं, इनमें उनका टारगेट है कि भाई हम इनको निकाल के, इनमें लगभग 1,15,000 लोग हैं। जी हाँ साथी, उनको 1,15,000 लोग दुबई सऊदी में काम करते हैं, उनको इन जॉबों से निकाल के वो लोकल अपने बंदों को, सऊदी के महिलाओं को और पुरुषों को, अपने लोगों को इन जॉबों में रखा जाएगा। जी हाँ साथियों, साथ ही उन्होंने भाई टैक्सी जो है उनके अंदर भी सऊदीकरण कर दिया गया है, निजीकरण कर दिया है। उन्होंने बताया कि लगभग 45,000 लोग विदेशी हैं जो सऊदी में टैक्सी चलाते हैं। जी हाँ साथियों, आपको सबको पता ही होगा, उनको भी भाई निकाल के वो अपने लोगों को टैक्सी के लिए रखेंगे, सऊदी के निजी लोग इसमें रहेंगे। ये बाकायदा है, बता दूं अभी की दिसंबर की न्यूज है, ये दिसंबर 2020 की न्यूज है जी। तो आप समझ सकते हैं भाई, लाखों लोग, लगभग 1.5 से 2 लाख लोग हैं, उनका जो रोजगार छीना जाएगा सऊदी अरबिया की सरकार की तरफ से। जी हाँ, और इनका है बस यही है कि भाई वो आपको निकाल के अपने सऊदीकरण करके निजीकरण करेंगे, अपने लोगों को उनमें जॉब तलाश के जॉब देंगे, उनको योग्यता के आधार पर मान लीजिए, कैसे भी मान लीजिए, लेकिन आपकी आपकी अगर आप वहां पे काम कर रहे हैं तो आपकी छुट्टी होने वाली है। अब किसके किस्मत में ये 2021 अच्छी होती है, किसके किस्मत में बुरी होती है, वो तो पता लगेगा। और इंडियन टैक्सी ड्राइवर की बात करें तो सबसे ज्यादा इंडियन और पाकिस्तानी ड्राइवर है भाई, 45,000, तो उनका 100% जॉब जाने वाला है। अब किस्मत में कौन सा बच जाता है, ये उन सभी कंपनियों पे लागू होगी। मान लीजिए जिनके पास 5 से ऊपर ड्राइवर है, 5 से ऊपर कर्मचारी है, उनके सभी ऑफिसों में लागू होगी। ये नहीं कि जिन ऑफिसों में 100 लोग हैं उसी में निकालेंगे, 200 में, ऐसा नहीं है। 5 के ऊपर जितने भी हैं उनमें छंटनी होगी, और वो अपने लोगों को उसमें वरीयता देंगे, उनको काम करवाया जाएगा। तो भाई ये 2020 जाते जाते एक बैड न्यूज, इसको हम मान सकते हैं, बाकी ऊपर वाला जैसा चाहेगा वैसा होगा। मिलते हैं अच्छी जानकारी, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें, मिलते हैं अच्छी जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।